या तो आपकी जोमैटो आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर ब्लॉक हो जाएगी, या फिर आपकी जोमैटो आईडी डिसेबल हो जाएगी, या फिर आपकी जोमैटो आईडी कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी ब्लॉक कर दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, ये चार कैटेगरी है। अगर इन चारों कैटेगरी में से आपकी आईडी किसी भी कैटेगरी में आ जाती है, टर्मिनेट में आ जाती है, या फिर आपकी ब्लॉक हो जाती है, डिसेबल हो जाती है, या फिर आपकी टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है, तो क्या आपकी दोबारा से जोमैटो आईडी ऑन हो सकती है? क्या आप जोमैटो आईडी से दोबारा काम कर सकते हो? सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये तो सबसे पहले, अगर आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाती है या फिर टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है, दोनों सेम प्रोसेस है। और वो दोस्तों टेम्परेरी ब्लॉक या फिर ब्लॉक क्यों होती है? अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो आप अपनी जोमैटो आईडी को कैसे एक्टिवेट करा सकते हो, कैसे आप काम कर सकते हो? देखिए, सबसे पहले दोस्तों ब्लॉक क्यों होती है, वो टेम्परेरी ब्लॉक आपकी आईडी जोमैटो आईडी क्यों हो जाती है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आपकी कैश लिमिट पूरी हो जाती है, भर जाती है, तो उसके कारण भी आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो आप जैसे अपना कैश लिमिट पे करोगे अपनी जोमैटो डिलीवरी ऐप में किसी भी यूपीआई से या फिर बैंक एटीएम से, तो आपकी आईडी अनब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा जैसे कि नेगेटिव पे आउट होता है, कि माइनस में आपका पे आउट चला गया और आप पे आउट को नहीं दे रहे हैं जोमैटो के पे आउट को, तब भी आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप अपना एसेट कलेक्ट नहीं करते, जैसे कि आपकी जोमैटो ड्रेस होती है, बैग जोमैटो को होता है, यानी जो जोमैटो ने आपको सामान दिया है, अगर आप वो साथ में कलेक्ट नहीं करते, सेल्फी वगैरह जैसे ऑप्शन आता है ऑर्डर दौरान, अगर वो आप नहीं देते, तब भी जोमैटो आईडी, अगर आप एक या फिर दो तीन बार ऐसे पकड़े गए, यानी सेल्फी आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं देते, तो आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाएगी। इस कारण से भी आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जोमैटो आईडी टेम्परेरी ब्लॉक काफ़ी कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई दिनों से आप लॉगिन नहीं करते हैं, या फिर आप बीच में छुट्टी ले लेते हैं और बिना बताए टीम लीडर से छुट्टी ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ गई और आप बिना बताए आप कई दिनों से लॉगिन नहीं होते, तो आपकी जोमैटो आईडी उस तरीके से भी ब्लॉक हो जाती है। कोशिश करें, अगर आप छुट्टी ले लेते हो एक दो हफ्ते की, तो बीच में आप एक दो बार लॉगिन कर लें एक दो घंटे के लिए, तो आपकी जोमैटो आईडी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो जोमैटो आईडी है ब्लॉक हो जाती है, आप लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा ऑर्डर करते हो, फ्रॉड डिस्टेंस के ज़्यादा ऑर्डर करते हो, इस कारण भी आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाती है। अगर दोस्तों आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो गई या फिर टेम्परेरी ब्लॉक हो गई, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कैश लिमिट बढ़ जाता है, तो आपकी जैसे आप जोमैटो में कैश लिमिट डिलीवरी ऐप में पे करोगे किसी भी एटीएम से या फिर किसी भी यूपीआई से, तो आपकी जोमैटो आईडी अनब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा अगर जो मैंने आपको रीज़न बताए, इस रीज़न से अगर आपकी जोमैटो आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो आपको फिर टीम लीडर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी लोकेशन का टीम लीडर होगा। अगर टीम लीडर से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो आपको जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन में हेल्प का ऑप्शन दिया जाता है, तो वहाँ पर जाकर आप टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट रेज में आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी जोमैटो आईडी क्यों आपकी ब्लॉक की गई है, रीज़न आप पूछ सकते हैं। अगर उसके बाद कुछ ही दिनों में जो भी टीम जोमैटो की टीम होती है आपको रिप्लाई करेगी, यानी कि 48 आवर में आपको रिप्लाई करेगी, तो उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा या फिर आपसे जो भी कहा जाएगा, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है, कैसे आप उसे ऑन करवा सकते हैं या फिर क्यों ब्लॉक होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है तो उसके दौरान क्या करें। बहुत कम चांस होते हैं कि आपकी आईडी डिसेबल होने में, और तुरंत आपकी ऑन भी हो जाती है। मेन सा प्रॉब्लम दोस्तों डिसेबल तब होता है जब आपकी कैश लिमिट ज़्यादा भर जाती है और आप कैश डिपॉजिट नहीं कराते, या फिर आपकी कैश लिमिट भर जाती है और आप 3-4 दिन आप जैसे जॉब पे नहीं जाते, तो उस कारण भी आपकी आईडी टेम्परेरी डिसेबल या फिर डिसेबल आप जिसे बोल सकते हो वो हो जाती है। उसके कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, आप टीम लीडर से या फिर कैश डिपॉजिट करके आप अपना डिसेबल आईडी को अनडिसेबल कर सकते हो, या फिर अगर आपकी आईडी डिसेबल हो रही है और आप में प्रॉब्लम आ रही है अपने जोमैटो आईडी एक्टिवेट कराने में, तो आप टीम लीडर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो अपने लैपटॉप से एकदम से एक दो मिनट में आपकी आईडी चालू कर देगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर है दोस्तों, कि आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है तो आप कैसे ऑन करा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए आपकी आईडी टर्मिनेट क्यों होती है। दोस्तों आपकी जो जोमैटो टर्मिनेट हो रही है, जैसे कि आप सबसे फ्रॉड डिस्टेंस करते हो, यानी आपका राइडर हो और आप जानबूझकर, यानी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑर्डर डिलीवर करते हो, अगर कोई वेरीफाइड लोकेशन आ गया आप वहाँ पर ऑर्डर डिलीवर कर देते हो, क्योंकि वहाँ पर तो आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर दोस्तों कोई नॉट वेरीफाइड लोकेशन आया है और आप कस्टमर का ऑर्डर देकर
आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर या फिर किसी अपने फ्रेंड से आप ऑर्डर डिलीवर कराते हो तो लॉन्ग डिस्टेंस में वो आ जाता है, जिससे अगर आप बार बार ऐसा काम करते हो तो जोमेटो कंपनी समझ जाती है कि आप फ्रॉड डिस्टेंस कर रहे हो। आपको एक दो बार आपको चेतावनी भी दी जाएगी कि आप ऐसा मत करो, लेकिन आप बार बार ऐसा करते हो तो आपकी बिना एक्शन लिए आपकी जोमेटो आईडी टर्मिनेट कर जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर कस्टमर का आप किसी का ऑर्डर लेते हैं और कस्टमर ने आपकी कंप्लेंट कर दी जोमेटो टीम से, यानी कि जहाँ से वो ऑर्डर बुक करते हैं वहाँ पर जोमेटो टीम से वो बात भी कर सकते हैं चैट के थ्रू, अगर कस्टमर ने आपकी कंप्लेंट कर दी तब भी आपकी जोमेटो आईडी बिना बताए आपसे टर्मिनेट हो सकती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है, काफ़ी बार देखा गया है काफ़ी राइडर की जोमेटो आईडी भी इसी कारण से टर्मिनेट हो जाती है, और उनका बार बार हमारे पास कमेंट आता है कि सर हमने कोई फ्रॉड डिस्टेंस नहीं किया है, कोई भी गलती नहीं किया है, फिर भी बिना बताए जो जोमेटो आईडी है हमारी टर्मिनेट कर दी है। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी कारण है, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करोगे अपनी जोमेटो आईडी के थ्रू, यानी वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करोगे या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिनाइल करोगे, वो भी आपका कैंसिलेशन में आ जाता है। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आया और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो उस ऑर्डर को आप डिनाइल कर सकते हैं अपनी जोमेटो ऐप से, यानी वो ऑर्डर किसी और के राइडर के पास चला जाएगा। अगर आप वीक में काफ़ी ज़्यादा करते हैं या फिर मंथली में, तो इस कारण से भी आपकी जोमेटो आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। और दोस्तों अब इसे आप ऑन कैसे करवा सकते हो, काफ़ी आपका बड़ा क्वेश्चन ये है। दोस्तों आपकी अगर एक बार जोमेटो आईडी टर्मिनेट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से होती है टर्मिनेट, तो उसके बाद आप ऑन नहीं करा सकते, चाहे आप टीम लीडर से आपका सगा संबंधी हो टीम लीडर, या फिर आपके साथ उसके साथ अच्छी बनती है आपके साथ, तब भी आप ऑन नहीं करवा सकते, क्योंकि दोस्तों वो आपकी ऊपर से टर्मिनेट हुई है। इसमें आप जितना भी मर्जी जोर लगा लो, आप एक बार ऑन नहीं करा सकते अगर आपकी जोमेटो आईडी टर्मिनेट हो गई है। चाहे आप जोमेटो के टीम लीडर कितनी बार कॉल कर लें, या फिर आप टिकट अरेंज कर लें, या फिर आप ट्विटर पे जोमेटो को टैग करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते, तब भी आपकी जोमेटो आईडी आपकी ऑन नहीं हो सकती। इसी दोस्तों कोशिश करें कि इन फ्रॉड से बचें जो मैंने आपको टर्मिनेट के बारे में बताया। बाकी टर्मिनेट को छोड़कर अगर आपकी आईडी डिसेबल हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, टेम्प्रेरी ब्लॉक हो जाती है, वो आपकी एकदम से एक्टिवेट हो जाएगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आपके एक बार जोमेटो आईडी टर्मिनेट हो गई, बहुत प्रॉब्लम आती है, वो आपकी एक्टिवेट ही नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके टर्मिनेट हो गई है, अगर आप सोचते हो कि हम किसी अदर नंबर पर अपनी दूसरी जोमेटो आईडी बना लेते हैं, तो वो अगर आप ऐसा काम करोगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपके पहले डॉक्यूमेंट जो लगे थे जब आपने जोमेटो ज्वाइन की थी, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी बैंक की कापी, आपका पैन कार्ड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपसे लिए गए थे, जैसे कि आधार कार्ड, दोबारा से आप किसी अदर नंबर से बनवाना चाहोगे और आप पैसे पे भी कर दोगे उनकी ऑनबोर्डिंग फीस होती है जोमेटो की, अगर आपके पैसे फंस गए तो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। फिर आप मुझे कहोगे कि सर आपने कहा था कि आप अलग नंबर पर ट्राई करें, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप अलग नंबर पर ट्राई ना करें, कि दोस्तों आपके पहले डॉक्यूमेंट जो है वेरीफिकेशन हो चुका है, अगर दोबारा आप वेरीफिकेशन कराओगे तो दोबारा से आपका मैचिंग हो जाएगा, तो आपकी आईडी नहीं बन पाएगी और जो आपने ऑनबोर्डिंग फीस दी है वो भी आपकी खराब जाएगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद, वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में आपको मैंने काफ़ी सारी नॉलेज दी है, जिससे कि आपको पता लग गया है कि आपकी आईडी जोमेटो वाली ब्लॉक हो गई है, टर्मिनेट हो गया है, या फिर आपकी डिसेबल हो गई है, तो कैसे आप ऑन करवा सकते हो, कैसे आप नहीं करवा सकते। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।